ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि इससे मुझे क्या मिला, मोटिवेशन मिला। वो तुम लोगों के भी काम आएगा और मेरे भी काम आएगा। कैसे? मैं तुम लोगों के लेक्चर बनाऊंगी और तुम लोगों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। ओके और साथ साथ पढ़ोगे। तो अब क्या है, तो अब क्या करना है, जिन लोगों ने कमेंट किए थे वो दोबारा करेंगे, और नहीं किए थे जिन लोगों ने कमेंट वो ट्राई करेंगे कि वो कमेंट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं जल्दी से जल्दी मोटिवेटेड होंगी अपने लेक्चर्स को बनाने के लिए, वरना मैं लेज़ी हो जाऊँगी। ठीक है? और ये नहीं चाहते हम लोग, है ना? ऐसा नहीं चाहते ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चलो सबसे पहले क्या किया था, मैंने एक गलती की थी, एक एरर किया था। ह्यूमन एरर तो देखो सबसे होते हैं। मैंने क्या किया था, उमर गलीज जो होती है, मैंने बोला था ये लचकदार होती है, ये गैर लचकदार होती है, ये याद रखना, ये गैर लचकदार होती है ना कि लचकदार होती है। बस ये करेक्ट कर लो, बाकी सब ठीक था। लास्ट लेक्चर में सब कुछ ठीक था। ओके अब इसके अंदर क्या है, उसके बाद जो मैंने एमसीक्यू बोला था मैं डिस्कस करूंगी इस लेक्चर में, तो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्या है कि रशियन कबूतिया और उमर रकीक के ऊपर कुछ फिजाएँ होती हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये, उनको बतून काजबा कहते हैं, ये नफीस ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है, दो स्टेटमेंट है, इन दोनों को बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें क्या था, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट, उनको क्या कहते हैं, बतून काजबा ही कहते हैं, और ये क्या करती हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर है दिमाग का खाकी जौहर, यानी क्या, ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर उसको क्या बोलते हैं हम, जौहर संजानी बोलते हैं। गशय रकीक और गशय अनकबूतिया के दरमियान सीएसएफ रहता है, इन दोनों को उम्मैन कहते हैं। ओके द फर्स्ट सेंटेंस इज के गशय रकीक और गशय अनकबूतिया के दरमियान सीएसएफ रहता है, पर दोनों को क्या, उम्मैन कहते हैं। उम्मैन किसको कहते हैं, रकीक एंड गलीस को। ओके रकीक एंड गलीस को। तो इसका मतलब क्या है, बी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है और ए ट्रू है, बी फॉल्स ए ट्रू, यानी सी इसका आंसर है। उसके बाद क्या है, खयाशिम किसे कहते हैं, अब ये मैंने तुम लोगों को नोट्स में नहीं बताया था, ये तुम लोगों से मैंने जानबूझ के इसको मैंने सोचा था एमसीक्यू में दूंगी। ठीक है, तो इसका क्या है, खयाशिम क्या होता है, नाक का जो अंदरूनी गार होता है, अंदरूनी गार उसको बोलते हैं खयाशिम। ये अपनी बुक में ऐड कर लो, ठीक है, अपनी बुक में ये पॉइंट ऐड कर लो, इसको क्या बोलते हैं, नाक के अंदरूनी गार को खयाशिम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गशाए सफ़ीक का सिनोनिम है गशाए मशीमी, गशाए जाफिया, गशाए मतजस। अब हम इसमें ऑप्शन डी जो है, मैंने जानबूझ के इसको तुम लोगों की नॉलेज के लिए, ताकि तुम लोग मुझे बताओ कि ये ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। दो ही बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम डी ऑप्शन में प्रॉब्लम है, तो आई एम इम्प्रेस्ड विद टू किड्स। ठीक है, तो प्लीज़ तुम लोग भी ध्यान दिया करो कि क्या हो रहा है। ओके क्या कि इसमें क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकती है ना, तो इसको ध्यान देना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, गशाए मशीमी जो होती है वो क्या होती है, हमारी उम्मे रकीक, है ना, उम्मे रकीक या उम्मे दिमाग, और ये दोनों जो है कौन सी है, उम्मे गलीस। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दी पार्ट टू लेक्चर, यहाँ तक खत्म। अच्छा अब मैं ट्राई करूँगी कि एमसीक्यू जो है, जो पुराने एमसीक्यू होंगे वो अलग लेक्चर में विद सम न्यू एमसीक्यू में डिस्कस करूँ, तो एक उसका एक छोटा सा अलग से क्लिप रहेगा, और साथ में मैं एमसीक्यू अपने लेक्चर के साथ भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि एमसीक्यू की वजह से ही तुम लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, तुम लोग पढ़ाई करोगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टॉपिक है, इससे पहले के पूरा बता चुकी हूँ, द फर्स्ट टॉपिक इज सुदा, सुदा ठीक है, इसको बोलते हैं सुदा। एक टर्म होती है सुदा। सुदा का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। सुदा का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन सुदा क्या होता है, ये टर्म है सुदा, इसका मतलब है हेड एक, दोनों में डिफरेंस है। ओके सुदा अलग होता है, सुदा अलग होता है, क्लियर। चलो तो अब मैं तुम लोगों को ये पूरे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले पहले तो ये तो बता दूं कि सुधा की टाइप्स क्या है, वरना तुम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आना, मतलब समझ में आ जाएगा रट लोगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो टॉपिक क्या है, सुधा या हेडेक। अच्छा अब ये जो मैं लिख रही हूँ इसका क्या करना है, इसको अपने तुम लोगों को भी इसको अपने बुक में स्टिकी नोट्स बना के नोट करना है। ठीक है, स्टिकी नोट्स तो समझते हो ना,
साइड में जो पेपर हम लगा लेते हैं उस पे लिख लेते हैं, तो जो मैं बता रही हूँ ना इसको अपने बुक में लिखना है स्टिकी नोट्स बना के। अब तुम लोगों को फोटो तो दिखाऊंगी नहीं, या दिखा भी दूंगी शॉर्ट्स में देख लेना स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता। वैसे तो बच्चों को आजकल, लड़कियों को तो स्पेशली सब पता होगा। ओके, सुधा। सुधा में क्या होता है, इसकी दो टाइप्स होती है। तो द फर्स्ट टाइप इज सुधा का मतलब हो गया हेड, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है कि इसके अंदर मादा प्रेजेंट होगा या नहीं, एब्सेंट होगा। मादा क्या होता है, मादा किसको बोलते हैं, खिल्त को बोलते हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा। अगर उसमें मादा प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, सुदाए मादी, ठीक है। अगर उसमें मादा एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे सुदाए सादा, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये किसके बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा, ये क्लासिफाई किया जाएगा मादे के बेस पे, मादे के बेस पे, ठीक है। अगर प्रेजेंट है मादा, अगर प्रेजेंट है मादा तो उसको बोलते हैं सुदा मादी। अगर एब्सेंट है मादा तो फिर क्या होगा, सुदाए सादा और साजिज। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई खिल्त भी इन्वॉल्व हो जाए सुदा के साथ, यानी हेडेक के साथ, तो उसको बोलेंगे सुदाए मादी, ठीक है, चाहे वो दम हो, बलगम हो, सफरा हो, सौदा हो। और अगर उसके अंदर कोई खिल्त नहीं है, वो बिना किसी अखलात के, एरर के, बिना किसी सुए मिजाज के हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सुदाए सादा, सादा या साजिज। क्लियर? ओके। तो इसकी क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसका हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, सुदाए सादा या साजिज को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मादा इन्वॉल्व नहीं है, मादा एब्सेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हेडेक हो रहा है, सिंपल हेडेक हो रहा है, तो सिंपल जो हेडेक हो रहा होगा वो दो तरीके से हो रहा होगा। या तो वो क्या होगा, हार होगा वो हेडेक, या वो होगा क्या होगा, हार का अपोजिट बारिश, ठीक है। या तो वो होगा, दो क्लासिफिकेशन कर देती हूँ इसकी, या तो वो होगा हार यानी गर्म, ठीक है, इतना तो समझते हो ना, नहीं समझते तो सुन लो, और या फिर वो होगा बारद यानी कि ठंडा। ओके, तो इसका मतलब क्या बना, एक टाइप मेरी बन गई है, यानी कि इधर अगर मैं लिखूं सुदा सुदा हार सादा, ओके, या साजिज, इस और दूसरी टाइप बन जाएगी सुदाए बारिद सादा या साजिज, ठीक है, दूसरी टाइप ये बन गई। इतना समझ में आ गया, सबसे सुदाए हार सादा हो गया, सुदाए बारिद सादा हो गया, ठीक है। यानी कि सुदा यानी जो हेडेक हो रहा है, सुदा यानी जो हेडेक हो रहा है वो किसी गर्म चीज़ की वजह से हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, हेडेक जो हो रहा है वो किसी गर्म चीज़ की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे जो हेडेक हो रहा है वो ठंडी चीज़ की वजह से हो रहा है, ठंडी गिज़ा, ठंडी हवा, ठंडी जगह, किसी भी वजह से, या गर्म गिज़ा, गर्म दवा, कुछ भी चीज़ ले ली हो, गर्म हवा लग गई हो, जैसे लू लग गई हो, सन स्ट्रोक हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार वाला जो सुदा होगा, हेडेक। और बारिद कब होगा, जब ठंडी हवा ले ली हो, ठंडी गिज़ा ले ली हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, सुदाए बारिद सादा होगा, ठीक है। तो इसका कॉज क्या लिख लेते हैं, तो सिंपल याद रखना सुदाए हार सादा। अब एक चीज़ याद रखना, इन दोनों को, अब ये दोनों चीज़ें, चाहे हार हो चाहे बारिद हो, चाहे हार हो चाहे बारिद हो, इंटरनली भी अगर हम कोई चीज़ खाएं, अगर हम ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो भी हेडेक हो सकता है, बारिद वाला, है ना। और अगर हम क्या करें, ठंडी हवा में चले जाएं, ठंडी जगह पे चले जाएं, तो भी क्या होगा कि हेडेक हो सकता है, बारिद वाला। सिमिलरली अगर जो है बाहर सनस्ट्रोक में चले जाते हो, बहुत तेज़ की गर्मी पड़ रही है तो वहाँ चले जाते हो बाहर, तो फिर क्या होगा, हार वाला जो है यानी गर्म वाला हेडेक हो जाएगा, है ना, लू लग जाएगी। और अगर क्या लेते हो, गर्म दवा लेते हो, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल समर के सीज़न में जो है बाजरे की रोटी किसी ने खा ली है, तो अब क्या होगा, उसको हेडेक कौन से वाला हो जाएगा, हार वाला हो जाएगा, यानी हार यानी गर्म वाला। क्लियर? इतना समझ में आया। या तो फिर दोनों को ही जब मैं क्लासीफाई करूँ, दोनों को ही, इसको भी, बारिद को भी और
हार को भी। तो क्या हो सकता है, अगर मैंने कोई बाहर से, यानी कि जो भी ठंडी लगी है या गर्मी लगी है वो बाहर एप्लीकेशन से की वजह से लगी है, यानी कि खारिजी, किसी खारिजी चीज़ की वजह से लगी है, यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली किसी चीज़ ने इफेक्ट किया है, तो उस वजह से क्या होगा, खारिजी। और दूसरी टर्म है दाखिली। दाखिली मतलब कि इंटरनल एप्लीकेशन की वजह से कोई भी चीज़ जो है इंटरनली इफेक्ट कर गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दाखिली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करूँ तो सुदाए, सुदाए हार सादा की, सुदा ये क्या हो जाएगा, सुदाए हार सादा, एक टाइप हो जाएगी दाखिली और एक टाइप हो जाएगी सुदाए हार सादा खारिजी। क्लियर, ओके। इसी तरीके से क्या होगा, सुदाए बारिद सादा दाखिली और सुदाए बारिद सादा खारिजी। ठीक है, इतना भी हमें समझ में आया, लेकिन आज सिर्फ मैं डिस्कस करूंगी आज की क्लास में सुदाए हार सादा खारिजी और दाखिली को। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट पार्ट में हम, वरना जो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और इसी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, तो उसको लेते लेते बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो सिंपल आज सिर्फ ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मुझे क्या बताना है, पहली टाइप जो मुझे डिस्कस करनी है, सबसे पहले इसके स्टिकी नोट्स बना लो। अच्छा, इसका तुम लोगों ने क्या करना है, सिंपल क्लासिफिकेशन जैसे मैंने लिखी है मादा, इस तरीके से एक छोटी सी अपने स्टिकी नोट्स पे जो है क्लासिफिकेशन लिख लेना, वो तो तुम लिख लोगे। अब पहला तुम लोग जो क्लासिफिकेशन लिखोगे, सुदाए हार सादा दाखिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं चलो पहले, फिर उसके बाद हम खारिजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, खारिजी। लेकिन उससे पहले हम एक दोनों को समराइज कर लेते हैं। अगर हम दोनों को मिला के बोले तो सुदाए हार सादा को, सुदाए हार सादा को, अगर मैं दोनों को मिला के बोलूँ तो इसको मैं बोल सकती हूँ सुदाए एहतराकी। इसका दूसरा नाम इम्पॉर्टेंट है, सुदाए एहतराकी। एहतराक मतलब कि किसको बोलते हैं, जलने की वजह से। अब चाहे इंटरनल ही उसने अपने आप को गर्म गज़ा लेके, गर्म दवा लेके अंदर से एकदम ड्राई डिहाइड्रेट कर लिया हो, जला लिया हो, चाहे जो एक्सटर्नल लू में चला गया हो, एक्सटर्नल हीट की वजह से उसने अपने आप को जला लिया हो। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं सुदाए एहतराकी, दोनों को, सुदाए हार सादा दाखिली और खारिजी दोनों को। यानी कि सिंपल सुदाए हार सादा को ही हम क्या करते हैं, सुदाए एहतराकी बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको अपने लिख लेना एमसीक्यू में। अब जल्दी से आ जाते हैं, इन दोनों का सुदाए हार सादा में जो कॉमन सिम्टम मिलेगा दोनों में, खारिजी और दाखिली में, पहला कॉमन सिम्टम मिलेगा कि इसमें कारूरा, कारूरा का मतलब होता है यूरिन, कारूरा का मतलब होता है यूरिन। ठीक है, वो कैसा मिलेगा, उतरजी का मतलब होता है हल्का जर्द मिलेगा। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि इसमें मिलेगा दवी, दवी कहते हैं एक मतलब कि टिनाइटस को, है ना, दवी कहते हैं टिनाइटस, रिंगिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये एक्सटर्नली कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, पर जो है जो पेशेंट होता है उसको फील होता है कि वो उसके कान बज रहे हैं। ठीक है, दवी कहते हैं कान के बजने को, दवी कान के बजने को कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इसके अंदर कॉमन मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट जो मिलेगा, बस चलो इसको बाद में जो है कॉमन पॉइंट को, बस ये दो मेन पॉइंट याद रखना, और इसको सुदाए हार सादा को सुदाए एहतराकी कहते हैं, इतना याद रखना। ये हो गया, अब सुदाए हार सादा दाखिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर खारिजी के बारे में। अगर देखे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन क्या आता है इसके अराउंड ही कि किस चीज़ की वजह से सुदाए हार सादा दाखिली होता है, तो सिंपल सी बात है, गर्म दवा की वजह से होगा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गर्म दवा ले ली है, गर्म ग़िज़ा की वजह से हो जाएगा, कोई गर्म ग़िज़ा ले लिया, अब जो है गर्मी का, शदीद गर्मी का जो है महीना चल रहा है, और तुम लोगों ने या किसी ने भी ऐसे बहुत गर्म जो है बाजरे की रोटी खा ली, बाजरा गर्म होता है, तो फिर क्या होगा,
पेट दर्द होगा, पेट दर्द की वजह से क्या होगा, सर दर्द भी होगा, तो क्या होगा, गर्म गिजा ले लिया। ये दो पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब क्या करना है, सुधा खारिजी, खारिजी तो तुम लोगों को पता ही है, किसी ने क्या किया, कोई धूप में चला गया, ठीक है, बहुत शदीद धूप है, समर स्ट्रोक लग गया और फिर जो है उसकी बॉडी से पूरा पानी उड़ गया, पानी उड़ गया मतलब डिहाइड्रेटेड हो गया। अब क्या है, इसके अलावा क्या हुआ, आग के पास कोई बैठ गया बहुत ज़्यादा देर तक, हीटर, अब हीटर का इतना ट्रेंड चल गया है पूरे रूम में, क्या करते हैं हीट, सर्दियों में क्या करते हैं हीटर चला लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अब क्या होता है, वो इतना गर्म कर देता है किसी किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता, तो उसकी वजह से भी सुधा हो जाता है ना, आग के पास कोई बैठ गया। इसके अलावा जो है कसरत जिमा, जिमा किसको बोलते हैं, सेक्शुअल एक्टिविटी, अब ये जो है खारिजी में आएगा, ठीक है, सेक्शुअल एक्टिविटी, ना कि दाखिली में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉज पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट मैं पार्ट में ट्राई करूँगी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालूँ, और बिल्कुल मैं तुम लोगों का एक लेक्चर, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना सीएनएस, तो मैंने क्या करना है कि मैं तुम्हारा एक लेक्चर रखूँगी लाइव, जिसके अंदर तुम्हारा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही टेस्ट होगा, ओके, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए तुम लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना है। वो कैसे करोगे, वो ऐसे करोगे कि भाई रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स मिलेगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, और जब स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से शायद मैं इतनी मेहनत भी कर लेती हूँ। कहाँ थे हम, अच्छा बहुत लंबा पॉज ले लिया, अब कहाँ थे हम, चलो ये एक था, मैंने तुम लोगों को इसके कॉज बता दिए थे, अब आते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके दो तीन पॉइंट्स और बता देती हूँ, इस पर अपने स्टिकी नोट्स में लिख लो, उसके बाद जो है हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, सुधाए दाखिली के अंदर, दाखिली के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि इसके अंदर क्या करेंगे, कुर्स मुसल्लस का तिला करेंगे। तिला जो होता है मरहम की एक पतली सी लेयर लगा देते हैं, जिससे सुधाए हार सादा खारिजी के अंदर, खारिजी नहीं सॉरी दाखिली के अंदर आराम आ जाता है, लेकिन सुधाए हार सादा दाखिली का, तो ये इलाज हो के कुर्स मुसल्लस का तिला, इसके अपोजिट ही बुक के अंदर लिख रखा है कि सुधाए हार सादा खारिजी के अंदर जो ट्रीटमेंट है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, गज़ाए दवाई होता है, गज़ाए दवाई किसको बोलते हैं, डाइटोथेरेपी को बोलते हैं, है ना। डाइटोथेरेपी में आप क्या करते हो कि क्योंकि ये हार बुखार है, ठीक है, गर्म है, ठंडा नहीं है, तो इसके अपोजिट थेरेपी दोगे, इसके अपोजिट क्या करोगे आप, जो है ठंडी इसको दवा दे दोगे, वो किसके अंदर करते हैं, सुधाए हार सादा खारिजी के अंदर, और दाखिली के अंदर क्या है, दाखिली के अंदर भी यही रहेगा कि आप ठंडी चीज़ दो उसको, उसके अपोजिट ट्रीटमेंट करो, पर इसके अंदर तेला कुर्स मुसल्लस से बहुत आराम आ जाता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर क्या मिलेगा, एक सिम्टम मिलता है, सुधाए हार सादा दाखिली के अंदर एक सिम्टम मिलता है जिसको किल्लत बोलते हैं। किल्लत क्या होता है, ऐसा सीवियर शदीद दर्द होता है कि मरीज़ जो होता है लेटा होता है अपने बेड पे, और एक पहलू से दूसरे पहलू पे करवटे बदलता रहता है, उसके हवास बिल्कुल उसे होश नहीं रहता किसी भी चीज़ का, बस उसे लगता है कि वो करवटे बदलता रहे, और बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है, इसको बोलते हैं किल्लत, ठीक है, किल्लत बोलते हैं शदीद किस्म के दर्द को। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, बस इतना ही कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं इसमें ऐड करा दूँगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, इसके अंदर कलिक मिलेगा, कलिक मतलब होता है कोलिक, यहाँ पे तुम लोगों को कोलिक मिलेगा जिसको बोलते हैं कलिक, कोलिक तो तुम लोगों को समझते हो ना, कोलिक की पेन को बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, कोलिक की पेन में क्या होता है, बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो एक करवट से दूसरी करवट चेंज करता रहता है, वो एक साइड मतलब कभी राइट साइड लेटेगा, कभी लेफ्ट साइड, वो मतलब कि स्टेबल नहीं हो पाता, वो अच्छा फील नहीं कर पाता, वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर बहुत सीवियर पेट में पेन दर्द होता है, तो इसकी वजह से पेशेंट जो है करवट पहलू से पहलू बदलता रहता है, उसको बोलते हैं कलिक। और कहाँ पेन होता है, ये पेट में कोलिक की पेन होता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा, एक क्लिनिकल बेड साइड में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कलिक किसे कहते हैं। बस इसमें इतने पॉइंट अभी लिख लो। इसमें गज़ाए दवाई भी देते हैं, गज़ाए दवाई इसका इलाज है, किसका इलाज है,
जो खारिजी होता है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग ऐड कर लो, गजाए दवाई से इलाज करते हैं। अब गजाए दवाई कैसे, देखो क्योंकि ये जो है सुदाए हार सादा किसकी वजह से हुआ है, धूप की वजह से, आग की वजह से, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, ठंडी चीज़ें दो, जैसे नीलोफर जो है उसका, उसको पानी में उबाल लिया, उसको पिलाया, तो इसलिए गजाए दवाई इसका इलाज होता है, बस इतना। अब आते हैं फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो भी मैंने भी बताया है वो सब कुछ इसमें समराइज है, इसलिए अपने स्टिकी नोट्स बनाओ, बुक पे लगाओ और अपने इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सुधा। सुधा की डेफिनेशन अलामा नफीस ने दी। अलामा नफीस ने बोला कि ये जो होता है एक किस्म का दर्द होता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो दर्द होता है सर का दर्द, वो सर के आजा में होता है, जिसमें से उन्होंने जो सर की हड्डी है यानी कि स्कल, और किसको जो जोहरे दिमाग है, जोहरे दिमाग कौन कौन से है, जिसमें से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को उन्होंने निकाल दिया और हड्डी को बाहर कर दिया, यानी उन्होंने बोन्स और स्कल को इसमें से निकाल दिया, बोन्स एंड स्कल को इसमें से निकाल दिया। इसके अलावा उन्होंने बोला ये सर दर्द होता है, शदीद सर दर्द होता है, इसलिए उन्होंने बोला है। इसके अलावा कतबुल मुहक्किकीन ने एक और काम किया कि इसमें से आँखों को निकाल दिया, आइज़ नोज़ और उसके उसके मानिंद आज़ा को निकाल दिया, आइज़ नोज़ ईयर इन सब को निकाल दिया। तो दो चीज़, दो लोगों ने इंटरफेयर किया, बोला तो ये सर के आज़ा का दर्द होता है, फिर अलामा नफीस ने उसको जो है स्कल को निकाल दिया, हड्डियों को निकाल दिया, और उसके अलावा उन्होंने किसको निकाल दिया, जोहरे दिमाग मैटर को निकाल दिया, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर को निकाल दिया। कतबुल मुहक्किकीन ने इन्होंने बोला कि आज़ा इसमें शामिल नहीं होते, ये क्लियर होगी डेफिनेशन। तो इसके ही मैंने टाइप बताई थी, सबसे पहली टाइप डिस्कस करनी है सुदाए हार सादा, बारिश सादा कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हार सादा को क्या बोलते हैं, एहतराकी, ये मैं बता चुकी हूँ, ये अभी डिस्कस कर लिया था, सुदाए एहतराकी, यहीं लिख लो जिसकी उर्दू अच्छी नहीं है, तुम लोग को आसान हो जाएगा, ये अपने स्टिकी नोट्स में लिख लेना। धूप में, धूप की वजह से, ये आग वगैरह की वजह से ये होता है, आग वगैरह में जलने की वजह से होता है, मतलब बहुत देर तक आग के पास बैठ गए तो हो जाएगा ये वाला सुधा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इस मर्ज में क्या होता है, दबी होता है, जो जिसको बोलते हैं कान बजने को बोलते हैं। कारूरा कैसा होता है, उतरजी रंग का होता है, यानी हल्के जर्द रंग का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर लिख लो, दबी एंड कारूरा क्या होता है, हल्के जर्द रंग का होता है। तो यहाँ पे जिसकी उर्दू अच्छी नहीं है ना, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख लिया करो, मैं भी लिखती थी। दवी किसको बोलते हैं, दवी बोलते हैं ख्याली आवाज़ का नाम है, ठीक है, जो ऐसा लगता है पेशेंट को कि आवाज़ आ रही है पर एक्चुअल में आवाज़ नहीं आ रही होती है, ख्याली आवाज़ का नाम होता है दवी। उसके बाद जो है उम्मेरास, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं बताया है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, अलग है। उम्मेरास जो होती है उसको या फूख या चंदिया या तालू बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तालू चंदिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तालू की, तालू यानी ये होता है फॉन्टेनल, ठीक है, फॉन्टेनल क्या है, हम लोगों को पता है जो फॉन्टेनल होते हैं उस पर ईजीली उस पर पेनिट्रेट कर जाती है, कोई भी चीज़ फॉन्टेनल पे लगाओगे ईजीली नफूस कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगी, ईजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, यानी कि अगर वो ईजीली पेनिट्रेट कर जाएगी। अगर किसी को अमराज़ रास है तो अगर मकामी तौर पर कोई दवाई इस्तेमाल करानी है तो उसे पेनिट्रेट कराने के लिए कहाँ लगाते हैं, नफूस कराने के लिए या फूक या चंदिया या तालू पे लगाते हैं। इसके बाद जो है जालेनूस ने क्या बोला, जालेनूस ने बोला सर के पिछला हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है तो उस पर क्या करें, उस पर सर्दी ना पहुँचाए, सर के पिछले हिस्से पर सर्दी ना पहुँचाए, क्योंकि वहाँ से क्या होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, ठीक है, हमारी नर्व स्टार्ट होती है, और नर्व जो होती हैं कोल्ड के लिए, ठीक है, सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब सर्दी ज़्यादा लग जाती है, मतलब किसी के ड्राइनेस और कोल्डनेस, कोल्ड की वजह से क्या होता है, पैरलिसिस हो जाता है, और वो किस वजह से होता है, नर्व्स की वजह पे इफेक्ट होने की वजह से होता है ना। तो सर के पिछले हिस्से में जालेनूस ने बिल्कुल मना किया कि सर्दी ना पहुंचाए, क्यों, क्योंकि पैरलिसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से क्या होती है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, नर्व स्टार्ट होती है। चलो ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या है, अब यहाँ तो थे, यहाँ तक सिंपल उन्होंने समराइज़ किया सुदाए हार सादा को, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गई इसकी टाइप्स। पहली टाइप है सुदाए हार सादा की क्या होगी, सुदाए हार सादा खारिजी। दूसरी टाइप होगी सुदाए हार सादा दाखिली। सुदाए हार सादा खारिजी में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है, हम देते हैं गजाए दवाई, यहाँ पे हम देते हैं गजाए दवाई देते हैं दवाई, ओके क्लियर। उसके बाद जो है सुदाए, अब बाकी के सारे पॉइंट किसके ऊपर है, सुदाए हार सादा दाखिली, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खारिजी और
यहाँ मैं लिख देती हूँ दाखिली, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा सो इंटरनल वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? गर्म दवा और गर्म गिजाओं की वजह से होता है, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या है, सुदाय हारसदा जो दाखिली होता है इसमें कलेक होता है, कलेक मैंने तुम लोगों को बता, इसमें कलेक में जो होते हैं हवास मुकद्दर हो जाते हैं इसके अंदर के पेशेंट को। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है, और किसके अंदर? सुदाय हार दाखिली के अंदर ये मिलता है, और ये इस सिम्टम में क्या होता है, इसको किल्लक बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट बहुत सीवियर पेन होता है, तो पेशेंट एक पोजीशन से, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घूमता रहता है, उसके उसे होश नहीं रहता है ना, तो उसको बोलते हैं किल्लक। इसके अंदर पेशेंट जो होता है इतने सीवियर पेन से जाता है कि उसकी ख्वाहिश रहती है कि वो करवटें बदलता रहे। उसके बाद सुदाए हार सादा दाखिली का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता चुकी हूँ, तिला लगाते हैं, कुर्से मुसल्लस का तिला, ये याद रखना और इस पे लिख लो, कुर्से मुसल्लस का तिला करते हैं। ठीक है, कुर्से मुसल्लस का तिला करेंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दाखिली में, ये सब दाखिली के पॉइंट है, कि इसमें यबरूज और अफ्यून जैसी मुखदर दवाओं को ना लगाए, नो, परहेज करें, नॉट यूज मुखदर दवाएं, और उसमें क्या है, मुखदर। ठीक है, दवाएं यबरूज एंड अफ्यून। नाउ चलो बच्चों, अब लेट्स एंड द लेक्चर फॉर टुडे। अब क्या करना है, सिर्फ अब हम करेंगे एमसीक्यू के प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा एमसीक्यू नहीं लूँगी क्योंकि इसमें मुझे पार्ट टू बनाना है। ओके, एमसीक्यू करने हैं अभी, मैं तुम लोगों को 5 एमसीक्यू, टोटल 8 है, 5 में 3 में करा दूँगी, 5 में तुम लोगों को होमवर्क के लिए दूँगी। तो मुझे क्या चाहिए, तुम लोगों के कॉमेंट चाहिए, मुझसे जो है पार्ट, नेक्स्ट पार्ट बनाना है, तो प्लीज़ मुझसे रिस्पॉन्स, मतलब मुझसे रिस्पॉन्स नहीं, मुझे रिस्पॉन्स दो। ओके, ताकि मैं रिस्पॉन्सिबल बनूं, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए ना रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अगर बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाती, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, दूसरे काम में। जो लोग रिस्पॉन्स देते हैं फिर मैं उनके काम, उनकी हेल्प करती हूँ। तो तुम लोगों को अगर इससे ज़रा भी हेल्प हो रही है ना वीडियो से, तो मुझे रिस्पॉन्स दो, कॉमेंट करो, बताओ तुम लोगों ने पढ़ा है, कुछ तो करो, कुछ तो करो मतलब पढ़ाई करो, और नहीं करोगे तो फिर ठीक है भाई, जो बच्चे करेंगे वो कर लेंगे, जिनको पढ़ना है वो करेंगे, जिनको नहीं पढ़ना, ठीक है, पढ़ना है वो तो तुम्हारा अपना देख लेना, अपना हिसाब किताब क्या करना है तुम्हें। ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें कर रही हूँ तुम लोगों को, वो इसलिए करती हूँ ना, ऐसा लगता है आप अपने आप से बात करते, पर आप छोड़ो इस चीज़ को, इसमें मैं कट कर दूँगी, चलो इसको मैं कट कर दूँगी, इस पॉइंट, इस पोर्शन को जिसमें फालतू की मैंने ऐसे बक 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 किया। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आज टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ये डू नहीं है, को लेप्टोमेनिंजियस के बीच में रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है लेप्टोमेनिंजियस के बीच में रहता है। द स्टेटमेंट टू इज लेप्टोमेनिंजियस उम्मे रकीक और उम्मे रकलीज है। ठीक है, अब मुझे बताओ, तो पहली स्टेटमेंट सही है कि लेप्टोमेनिंजियस के बीच में रहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लेप्टोमेनिंजियस उम्मे रकीक और उम्मे गलीज को कहते हैं, क्या ये सही है, उम्मे गलीज और उम्मे रकीक को कहते हैं, उम्मे गलीज कौन से वाली होती है, उम्मे गलीज को ही कहते हैं, उम्मे गलीज को कहते हैं और उम्मे रकीक को नहीं, लेप्टोमेनिंजियस कहते हैं उम्मे रकीक और अनकबूतिया। अगर किसी कोई भूल गया है तो याद कर लो कि क्या था अनकबूतिया, और इन दोनों को कहते, क्या कहते हैं हम, उम्मेन। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता ही, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू, सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, सेकंड इज एजर्शन बेस्ड। अच्छा ठीक, देखो मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले तो इसमें ये छोटी छोटी जो एरर है ना, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन खुद बनाया, तुमको किसी एमसी किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये जो है मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली किस हर इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के जो प्रीवियस ईयर से आता है या प्रीवियस ईयर के बेस पे उसको उठा के जो तुमको याद रखने वाले पॉइंट है उनके बेस पे एमसीक्यू बनाया है, तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें एक तो याद रहेगा उस टॉपिक के आसपास की चीज़ें, और दूसरा जो है इसमें छोटी बहुत मिस्टेक होगी ना तो उसको माइंड मत करो, ऐसे अपने दिमाग को चला के अच्छा ये हो सकता है तो कर लो, नहीं तो मैं खुद ही करेक्ट कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। एजर्शन, आजकल एजर्शन बेस्ड तीन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले, एजर्शन बेस्ड, और आते हैं तुम्हारे
मैचिंग वाले, तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए। और ऐसा है याद रखना, सिर्फ इन्हीं के चक्कर में सिंपल लाइन वाले क्वेश्चन करना मत भूलना। ऐसा है, ऐसा होता है कि कई बार हम टफ वाले की तैयारी कर लेते हैं और पेपर सिंपल आ जाता है, तो हमें दोनों की तैयारी करनी है। सिंपल ऐसा नहीं करना कि टफ कर लिया सिंपल नहीं किया, सिंपल भी करो टफ भी करो, बैलेंस बना के रखो, ठीक है। हर चीज़ में बैलेंस अच्छा रहता है, इंतहा किसी चीज़ में अच्छी नहीं रहती। एजर्शन, अलामा नफीस ने कहा है कि सुधा सर का दर्द है जो सर के आज़ा में होता है, ठीक है। अलामा नफीस ने क्या बोला, सुधा जो होता है सुधा सर का दर्द है जो सर के आज़ा में होता है। रीज़न क्या है इसका, सुधा में हड्डी और जौहर दिमाग शामिल नहीं है, इसका रीज़न ये है। चलो ठीक है, अलामा नफीस ने तो सच में ये बोला है कि जो सुधा जो है सर का दर्द है जो सर के आज़ा में होता है, ये इसका एजर्शन है। रीज़न क्या, इस जो ये एजर्शन है इससे इसका कि हड्डी और जौहर दिमाग को इसमें निकाल दो, तो ये क्या रीज़न इसका बन रहा है, ये रीज़न इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका कोई ऐसा जो है पर्टिकुलरली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो एजर्शन और रीज़न ट्रू है, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। सुधा में हड्डी और जोहरे दिमाग शामिल नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो यानी एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, बट द रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ये ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि रीज़न जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर टुडे इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज सुधाए हार दाखिली में कुर्स मुसलस का तेला करते हैं, ठीक है। सुधाए हार दाखिली में यबरूज और अफ्यून जैसी मुखदर दवाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। अब सोचो एक सेकेंड के लिए सोचो, पहला स्टेटमेंट है सुधाए हार दाखिली, अच्छा दाखिली में कुर्स मुसलस का तेला करते हैं कि खारिजी में, दाखिली में, ठीक है। खारिजी में सिर्फ एक चीज़ थी उसके अंदर लिखी हुई, गजाए दवाई, तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। सुधाए हार दाखिली में यबरूज और अफ्यून जैसी मुखदर दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया उससे परहेज़ करते हैं, डू नॉट यूज, ठीक है, परहेज़ करते हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है फॉल्स है। यहीं पर मैं जो है इसको एंड कर रही हूँ। नाउ टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दीज 5 MCQs, ठीक है, यू हैव टू डू इट नाउ, टेक द स्क्रीन शॉट्स। 4th question, 5th question, 6th question, 7th question and 8th question, ठीक है। आई विल गिव यू आंसर्स टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।